अस्सलाम वालेकुम क्लास, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? थैंक्स फॉर इंस्ट्रक्शन क्या है अब आवाज आ रही है? इज इट क्लियर राइट नाउ? जी लाइवा, ओके आ गई आवाज, गुड फाइन थैंक यू। जी अब आवाज देखिए आप, ठीक आवाज आ रही है? जी क्लास अभी आवाज देखें, ठीक आ रही है आपको? नाउ इज इट क्लियर वाइवा, मिशेल, सिद्रा, सब ठीक हुआ अभी? Okay, fine. Let's start our today's lecture. Is it now? Can you hear me? My voice? Is it clear to all of you students? ठीक हो गया। Okay, fine. Thank you, Zidra. Thank you very much for telling me that सब ठीक हो गई है मैम। Okay, now you can hear me. Okay, let's start the. Okay, fine. Do tell me that have we finished this topic before? Have we read this topic before? Formal meeting a minute. जी बताइएगा मुझे कि हम लोगों ने क्या पहले पढ़ा है मीटिंग एंड मिनट्स ये? जी मुश्रा आप भी कनेक्ट करें अपना, अगर आपको थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम है कुछ भी तो। जी फॉर्मल मीटिंग एंड मिनट्स क्या हम लोग पहले पढ़ चुके हैं या मुझे थोड़ा सा बताएंगे जरा क्लास? जी हेलो क्लास, ओके फाइन वदा, हाउ आर यू? आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक है? ओके मैं पहले नहीं पढ़ाई है। ओके फाइन, मुझे ये था कि आप लोगों की क्लासेज होंगी स्टार्ट तो मैं फिर आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूंगी ये वाला टॉपिक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है कोविड की वजह से अगेन, लेकिन बच्चे तो कहेंगे फॉर्चुनेटली नॉट अनफॉर्चुनेटली, लकीली हमारे स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से ऐसे ही खुश होंगे, लेकिन अभी देखा जाए तो पेपर्स के बाद या रिजल्ट के बाद ही फाइनल ईयर को सीरियसली पढ़ेंगे, अभी पेपर के बाद तो नहीं। साहिबा आपने लिखा पेपर्स के बाद? अच्छा
हाँ, डबल माइंड होके पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल ऐसे ही है। डबल माइंड तो आप लोगों को भी हमने फाइनली अगर कुछ ना कुछ करवाना ही था, ये है कि चले आते रहें तो फिर जरा इजी हो जाता है, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है सारा कुछ करना। एनी हाउ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, वक्त तो हालात ही इस तरह के हुए हुए हैं ऑल इन द वर्ल्ड के, कुछ भी पता नहीं चलता, इस वजह से हम लोग कुछ कह नहीं सकते इसके लिए, ठीक है। एनी हाउ, कोई बात नहीं, हो जाता होता है, इस तरह से भी चलना पड़ता होता है ऐसे भी, ठीक है। जी हम जी क्लास, मिनट एंड मीटिंग। अभी जो है हम लोगों ने न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है मिनट्स एंड मीटिंग का, ठीक है। तो मिनट्स एंड मीटिंग जो है हम लोग पहले फॉर्मल मीटिंग एंड मिनट्स, दिस इज अ टॉपिक गिवन बाय द यूएचएस, ठीक है। तो यूएचएस ने हमें दिया वो बेसिकली ये वाला टॉपिक है फॉर्मल मीटिंग एंड मिनट्स का। उसमें क्या है कि ओके फाइन, फॉर्मल मीटिंग एंड मिनट्स, पहले हम जो है मीटिंग क्या होता है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एंड व्हाट आर द मीटिंग। बेसिकली मैं आप लोगों को ये करवाना चाह रही थी कि हाउ वी कैन राइट मीटिंग एंड हाउ वी कैन राइट मिनट्स ऑफ द मीटिंग, व्हाट आर द मिनट्स बेसिकली। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफरेंट होगा क्वेश्चन। एनीबडी इज नो इन द क्लास व्हाट इज, ओके फाइन, चलिए कि मैम अब आवाज आ गई है। ओके जहां से आवाज की कनेक्टिविटी डिसकनेक्ट हो जाएगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ओके, फॉर्मल मीटिंग एंड मिनट्स, उसमें क्या है कि फॉर्मल मीटिंग्स क्या होती हैं, किस तरह से कंडक्ट की जाती है, हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम मीटिंग मिनट्स जो है वो देखेंगे कि मिनट्स, एनीबडी इज नो व्हाट इज मिनट्स, कि मिनट्स होते क्या हैं बेसिकली। हाँ, मीटिंग तो ठीक है, किसी से मिलना है, ठीक है, और मुझे ये बताएं कि जो है वो मिनट्स क्या होते हैं, मिनट्स का क्या बता सकता है मुझे, इस वक्त मिनट्स क्या होते हैं। रोलिका, क्या होते हैं मिनट्स, सित्रा, वर्ता, नो आइडिया, वेरी गुड। सिद्रा, रिटर्न रिकॉर्ड होता है, बिल्कुल रिटर्न रिकॉर्ड होता है। सिद्रा ने उधर से देख के तो नहीं बताया मुझे कि रिटर्न रिकॉर्ड होता है ये कहाँ से बोला, देखिए व्हाट से गूगल करके तो नहीं बता दिया चल कोई नहीं, खैर है, जिस तरह से प्रोटोकॉल्स होते हैं, वेरी गुड, ठीक है सिद्रा, बिल्कुल ऐसा ही है। जी डेफिनेशन पढ़ते हैं मीटिंग की, क्या होता है क्या, मीटिंग इज एनी गैदरिंग और इज एन
आवाज क्लियर राइट नाउ? जी शाइस्ता, आवाज आती है आपको? जी शाइस्ता, सरेश, अब तो आवाज आनी चाहिए। जी सित्रा, नुसरत, शांजा, ठीक है, वेरी गुड, अब आवाज आती है। शांजा को भी आ गया अब आवाज, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पता नहीं क्या वॉइस प्रॉब्लम चल रहा है, नहीं हाँ, अब कोशिश करूंगी कि आवाज ना जाए आपको। ओके नाउ क्लियर, फाइन। अब आ गई आवाज। ओके, कहते हैं कि मीटिंग जो होती है ना, कोई भी गैदरिंग होती है, ठीक है, गैदरिंग होती है, कोई भी असेंबली होती है, टू और मोर पर्सन जो है उसमें पर्टिकुलर प्लेस पे डिस्कस करते हैं, लोग भी बिजनेस होते हैं, लेकिन क्या है? ओके, थैंक यू मिशेल। ओके फाइन, ठीक है, कहते हैं कोई भी गैदरिंग होगी, लेकिन क्या है कि उसमें एक लॉफुल जो है वो होना चाहिए, ठीक है। कोई भी मीटिंग है, माने गैदरिंग है, असेंबल हुए हैं कुछ लोग, लेकिन कोई लॉफुल बिजनेस है, कोई कॉमन कंसर्न की वहां बात होगी उस पर, ठीक है, तो ही हम लोग जो है वो बेहतर तरीके से उसमें वो कर सकते हैं, ठीक है। डिस्कशन होगी कोई भी, बेसिकली मीटिंग की ये डेफिनेशन है। मीटिंग एज ओकेशन, ओकेशन होता है नॉर्मली प्लान, प्लान होता है वे मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन गेट टुगेदर टू डिस्कस मैटर्स रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर मैटर्स को डिस्कस किया जाता है रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। क्लियर टू एवरीवन? इस डेफिनेशन को पढ़ें, क्योंकि मीटिंग की डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मीटिंग इज एन गैदरिंग और असेंबली ऑफ टू और मोर पर्सन इन अ पर्टिकुलर प्लेस टू डिस्कस सम लॉफुल बिजनेस ऑफ कॉमन कंसर्न। मीटिंग्स इज एन ओकेशन नॉर्मली प्लान वेयर मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन गेट टुगेदर टू डिस्कस मैटर्स रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, समझे इसको, पढ़े, जो नहीं समझ आती पूछे मुझसे अभी के अभी। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, जी एनी क्वेश्चन? क्लियर है? ओके फाइन। सेकंड, अगर देखें व्हाट इज अ फॉर्मल मीटिंग, के फॉर्मल मीटिंग क्या होती है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि आप प्री प्लान गैदरिंग होगी, हेल्ड अ स्पेसिफिक टाइम पे होगी, ठीक है, एट अ डिफाइंड प्लेस में होगी, एंड अगेन द जेंडर। जी ओके, व्हाट इज फॉर्मल मीटिंग? फॉर्मल मीटिंग है क्या बेसिकली, ठीक है, क्या कहते हैं, प्री प्लान गैदरिंग, एक प्लान गैदरिंग होती है, एंड एट अ स्पेसिफिक टाइम, जो कि स्पेसिफिक टाइम में होनी चाहिए, एट अ डिफाइंड प्लेस में होनी चाहिए, एग्री एजेंडा होना चाहिए वहाँ पे, लीड बाय अ चेयर पर्सन, एक चेयर पर्सन जो है उसको लीड कर रहा है, रिकॉर्ड टाइम नोट्स मिनट्स जो है वो बनाने होते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड नोट्स जो होते हैं ना उसको बेसिकली मिनट्स कहते हैं हम लोग। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि होता क्या है बेसिकली ये? ठीक है,
क्या है जो है, व्हाट इज फॉर्मल मीटिंग? फॉर्मल मीटिंग में बेसिकली होता क्या है, इट्स अ प्री प्लान गैदरिंग, ठीक है, प्री प्लान गैदरिंग होती है, क्लियर, हेल्ड अ स्पेसिफिक प्लेस, एक स्पेसिफिक प्लेस पे होती है, ठीक है, डिफाइंड प्लेस, स्पेसिफिक टाइम पे होती है, डिफाइंड प्लेस, प्लेस जो है वो बता दी जाती है, एग्रीड एजेंडा जो है वो बता दिया जाता है, लीड बाय अ चेयर पर्सन, एक चेयर पर्सन जो है वो इसको लीड कर रहा होता है, ठीक है, और रिकॉर्ड नोट्स और मिनट्स होते हैं वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद होते हैं, क्लियर टू एवरीवन। इस तरह से ये सारी चीजें हम लोगों ने करनी है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। आगे मिनट्स ऑफ द मीटिंग होते क्या है बेसिकली, उसमें क्या है, सबसे पहले ये चीज आ जाती है मिनट्स ऑफ मीटिंग। मैं आपको आसान लफ्जों में पहले समझाती हूँ कि मिनट्स होते क्या। देखिए, जब भी हमारी कोई मीटिंग होती है, शायद पता नहीं आप लोगों ने कभी मेरे ख्याल से अटेंड की होगी या नहीं की होगी, मीटिंग जब भी कोई होती है तो उसका एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, ठीक है, रिकॉर्ड बनाया जाता है उसका, मीटिंग के कितने लोगों ने अटेंड की थी, कौन कौन अटेंडेंस होती है उनकी, कौन कौन अटेंड था, कौन कौन जो एबसेंट था, कौन कितने वक्त पर आया, कितने बजे मीटिंग खत्म हुई, कितने बजे शुरू हुई, ठीक है, ये जो सारी चीजें होती है ना, ये मिनट्स होते हैं, ठीक है, क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए गए, मीटिंग का एजेंडा क्या था, क्या क्या चीजें जो है वो डिस्कस की गई थी, क्या चीजें जो है वो डिस्कस नहीं की गई थी, और अगर कोई प्रॉब्लम डिस्कस की गई थी तो उसका सोल्यूशन क्या था, ठीक है, उसको सॉर्ट आउट किस तरह से किया गया था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ जाइए अब आप लोगों को कि उसको सॉर्ट आउट किस तरह से किया गया था, किस तरह से नहीं किया गया था, ठीक है, ये सारी चीजें जो होती है वो मिनट्स होते हैं, क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, यस यस करते जाए ताकि मुझे समझ आती जाए कि आप लोगों को कुछ समझ आ रही है और मेरी आवाज भी जा रही है। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट एंड श्योर अबाउट दैट दैट यू आर यू कैन लिसन मी। यस ओके फाइन। अब मिनट्स, कभी भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर मिनट्स, तो मिनट्स आर ऑल्सो नाउन एज अ प्रोटोकॉल और इनफॉर्मल नोट्स आर इंस्टेंट रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग और हियरिंग, ठीक है, हियरिंग भी होती है, आपको पता है हियरिंग्स भी होती है, ठीक है, मीटिंग्स भी होती है, उसका जो रिटर्न रिकॉर्ड इज कॉल्ड अ मिनट, ठीक है, मिनट क्या होता है, उसका रिटर्न भी होता है, मीटिंग होती है, उसकी हियरिंग जो होती है, उसके जो इंस्टेंट नोट्स बनाए जाते हैं वही तौर पे उसको मिनट्स बोलते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दे टिपिकली डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ द मीटिंग एंड मे इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ अटेंडीज, द स्टेटमेंट्स ऑफ इश्यूज कंसीडर्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स एंड रिलेटेड रिस्पॉन्सेस और डिसीजंस फॉर द इश्यूज। क्या कहते हैं कि अब इसमें होता क्या है, टिपिकली क्या किया जाता है, टिपिकली यहाँ पर यह किया जाता है कि दे टिपिकली डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ द मीटिंग, इवेंट्स ऑफ द मीटिंग यहाँ पर बताया जाता है, इंक्लूड एज अ लिस्ट ऑफ अटेंडेंस, अटेंडेंस की लिस्ट जो है वो बताई जाती है, अ स्टेटमेंट ऑफ द इश्यूज, इश्यूज के स्टेटमेंट्स बताए जाते हैं, कंसीडर्ड बाय द पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है यहाँ पर ये बताया जाता है, ठीक है, एंड रिलेटेड रिस्पॉन्सेज और डिसीजन फॉर द इश्यूज, और इश्यूज क्या बताए गए हैं, क्या रिस्पॉन्सेज है उनके, ये सारी चीजें बताई जाती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्लास के व्हाट आर द मिनट्स बेसिकली, कि ये होते क्या है मिनट्स बेसिकली, ठीक है, और मीटिंग्स है क्या, मीटिंग एंड मिनट्स, ठीक है, आप ये पढ़े, जो नहीं समझ आते पूछे अभी के अभी पूछे मेरे से, जो नहीं समझ।
ग्लास. ओके क्लियर फाइन. मिनट्स आल्सो नोन एज अ प्रोटोकॉल्स. प्रोटोकॉल्स होते हैं फॉर्मिंग नोट्स एट इंस्टेंट इंटरनल कोड्स ऑफ मीटिंग एंड बिहेविंग. दे टिपिकली डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ द मीटिंग एंड मे इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ अटेंडेंस, अ स्टेटमेंट ऑफ द इश्यूज कंसीडर्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स एंड रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस फॉर द इशू. इशूज क्या हैं, डिसीजंस क्या लिए गए, ये सारी चीजें जो है वो इसमें आती हैं. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बशरा क्यों वो इसका इशू है भाई? अब भी ठीक है वॉइस? अब ये आवाज आ रही है आप लोगों को क्लास? यस मैम क्लियर वॉइस. ओके अब आ रही है, फाइन हो गया. ठीक है जी, मीटिंग एंड मिनट्स क्लियर हो गए आप लोगों को. आप देखें बॉडी ऑफ मिनट्स के, मिनट्स में लिखा क्या जाता है, बॉडी ऑफ मिनट्स किस तरह से हम लोग. अच्छा मुझे थोड़ा सा सुविधा जो है अभी आप क्लियर करें कि आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस जो है वो कब तक होती रही थी और आप लोग के कॉलेज कब से ओपन हुए थे और एग्जामिनेशन आप लोगों के कब हुए हैं. यूएचएस के एग्जामिनेशन जो है वो मुझे डेट जो है वो फाइनल करके बताएंगे आप. ठीक है, और टुडे इज 30th नवंबर. ठीक है 30th नवंबर के भी आपकी मैं अटेंडेंस अभी नहीं हो रही, लेकिन मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपके एग्जाम्स कब थे. हाँ ओके सलमान हो रही ठीक है. अक्सा तहरीम एंड पे आ जाती है प्रेजेंट लगवाने के लिए हैं जी. सिमरा वर्दा बेटा आपके एग्जाम्स कब शुरू हुए थे, कब खत्म हुए थे यूएचएस के, ये मुझे आप क्लियर करके मुझे कंफर्म करके अभी बता दें, क्योंकि इस तरह से दो तीन लोग होंगे जो कंफर्मेशन करके मुझे बता देंगे. वर्दा सिद्रा सिमरा जी. बशरा को तो कुछ याद नहीं है एम बशरा. ओके शानजा मुझे बेटा 30th से स्टार्ट हुए थे, 14 को एंड हुए थे. मंथ भी बताए ना, मंथ भी बताना आपने मुझे. अक्टूबर में अक्टूबर का मंथ था. ठीक है थोड़ा सा और जेन पे जोर दें और याद आ जाएगा आप लोगों को जी.
जी कब स्टार्ट हुए थे बच्चों आप लोगों के पेपर्स? नहीं, मैं बिल्कुल भी अटेंडेंस नहीं ले रही हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे पहले जो है वो कंफर्म करके बताएं कि आपके एग्जाम्स कब स्टार्ट हुए थे, कब खत्म हुए थे, वाइवास कब स्टार्ट हुए थे, कब खत्म हुए थे, और फिर क्लिनिकल का तो मुझे पता चल गया कि 4th से स्टार्ट हुए थे और 29th को आपके खत्म, 28th को खत्म हुए, 27th को, 30th से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि आप वापस जब आए थे तो क्या, कब आए थे वापस आप लोग कॉलेज में? वापस कब आए थे? 3rd ईयर के आप लोगों के टेस्ट हुए थे ना? किन डेट्स को टेस्ट हुए थे वो आप लोगों के, कुछ याद है आप लोगों के एग्जाम से पहले? जी कॉलेज तो आए थे जी, 30 दिसंबर से स्टार्ट हुए थे और खत्म 14 अक्टूबर को हुए थे। ठीक है, ठीक है। 15 सितंबर से कॉलेज आना शुरू हो गए थे आप लोग। ठीक हो गया। सितंबर से आप लोग कॉलेज आए थे। ठीक रोलिका स्लाइड्स भी शुरू हो रही है और आवाज भी आ रही है बच्चे, आप अपना जो है वो रिकनेक्ट करें अपना। ओके ओके, 30 दिसंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए थे। फिफ्टीन अक्टूबर तक जो है आप लोगों के एग्जाम्स रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद वाइवास स्टार्ट हो गया, और वाइवास जो है वो 3rd नवंबर तक आपके वाइवास रहे हैं। ठीक है, ओके फाइन। मुबशा के लिए इतना अच्छा गुजर गया, कितना अच्छा गुजर गया मुबशा, क्या हो गया? ओके ठीक है, मिशेल की बहुत अच्छी, इसका मतलब वो जो है वो मेमोरी है, मिशेल सारा कुछ बताती जा रही हूँ सही सही से। ठीक हो गया, चलिए अच्छी बात है। एक्चुअली थोड़ा सा रजिस्टर प्रिपेयर करना होता है मैंने, तो इस वजह से मैं आप लोगों से पूछ रही थी। आप लोग तो क्लिनिकल लग करके लगता है सारा कुछ ही भूल भाल गए हैं कि कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अली हमजा बोला, यस मैम, जब सारी इन्फॉर्मेशन मुझे क्लास के बच्चों ने दे दिया। सी आर पहले सो रहा था। एनी हाउ, मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है, मीटिंग इज अ गैदरिंग एंड मिनट्स, व्हाट आर द मिनट, मिनट्स आर द प्रोटोकॉल्स आर द रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग। ठीक है, जनरली मिनट्स बिगिन विद द ऑर्गेनाइजेशन नेम, सबसे पहले क्या आता है ऑर्गेनाइजेशन नेम आता है, प्लेस आती है, डेट आती है, लिस्ट ऑफ पीपल प्रेजेंट एब्सेंट एंड द टाइम, टाइम स्टार्ट टाइम और एंडिंग टाइम, ये दोनों चीजें हम लोग देखते हैं। ऑल द एजेंडा फॉर द सेट मीटिंग, एजेंडा क्या है सेट मीटिंग का, ठीक है, प्रपोजल्स क्या हैं, ठीक है, ऑल द ऑफिशियल डिसीजंस मस्ट बी इंक्लूडेड, कहते हैं जितने भी ऑफिशियल डिसीजंस हैं वो इंक्लूड होने चाहिए, रिपोर्ट्स गिवन एंड द पर्सन इन्वॉल्व, पर्सन कौन सा इन्वॉल्व है वो सारा कुछ होना चाहिए इसमें। ठीक है, अब आप लोगों ने मिनट्स भूलने नहीं है कि मिनट्स क्या होती हैं। ठीक है, मिनट्स आर द रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग, हाउ मैनी पर्सन आर प्रेजेंट, हाउ मैनी पर्सन आर एबसेंट एंड वट आर, फर्स्ट यू विल राइट द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्लेस वेयर इज इट हेल्ड, डेट, लिस्ट ऑफ पीपल प्रेजेंट, लिस्ट ऑफ पीपल एबसेंट। ठीक है, ऑल द एजेंडा फॉर द सेट मीटिंग, के सेट मीटिंग का एजेंडा क्या था और डिसीजंस क्या लिए थे, प्रॉब्लम्स क्या डिस्कस की गई और उनके को सॉर्ट आउट किस तरह से किया गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी समझ आ गई है? ठीक है, बॉडी ऑफ मिनट्स कभी भी आप लोगों ने मीटिंग
गैदरिंग, ठीक है, बट ये क्या है, ये आप लोगों के पास पता होना चाहिए इस चीज का, ठीक है। अब ये बार बार मैंने नहीं बताना, ये आप लोगों ने याद रखना, ये फिंगर टिप्स पे होने चाहिए आप लोगों के। वेरी गुड सीता, बहुत अच्छा आपने इसको पिक किया है, वेरी गुड। बिल्कुल ऐसा ही है, जिन्होंने अटेंडिंग की होती है उनको सारी जो है एक एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, और हमारे पास एक कंप्लीट रिकॉर्ड भी होता है ना अटेंड किए या नहीं किए, ताकि हमारे पास हमें पता हो कि हमने जो, अच्छा जनवरी में जो हमारी मीटिंग हुई थी उसका ये एजेंडा था, हम लोगों ने इतने लोगों ने अटेंड की थी, ये स्टार्ट टाइम था, ये एंड टाइम था, ये प्रोटोकॉल्स थे उसके, ठीक है, ये इस प्लेस में हुई थी, इस डेट में हुई थी, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में वो मतलब नवंबर में हमने जो मीटिंग की थी उसमें ये था, जो अक्टूबर में की थी ये था। अब ये देखे ना, मिनट्स ऑफ जो है हमारे पास आप लोगों ने बनाए होते, अपने रिकॉर्ड बनाया होता, तो वो आपको पता होना था ना, फौरन आप लोग वो खोलते, जिस तरह से हम कहेंगे पता नहीं वो हमारी अक्टूबर की जो मीटिंग थी उसमें क्या हुआ था, हमारी जो सितंबर की मीटिंग थी उसमें पता नहीं क्या हुआ था, ठीक है। तो वो जब आप लोगों ने मिनट्स बनाए हुए होते हैं तो आपके पास एक कम्प्लीट रिकॉर्ड मौजूद होता है उसका। क्लियर टू एवरी वन? इंग्लिश की कोई बुक नहीं होती, वो बचता इंग्लिश की बुक नहीं है, आप लोगों को इसी तरह से ये जो है करना पड़ेगा।